तो भाई ये वाला डाला है मैंने सूट ग्रीन कलर का। अभी हल्का सा थोड़ा मेकअप रहता है, पास आ जा। सब करते हैं यहाँ पे, निकालती है मेहंदी बहुत सारी। लगा दे भाई कानू जी को। और ये है भाई झूला। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? तो वेलकम टू माय चैनल रितुन मनी व्लॉग्स। और भाई ब्लॉग शुरू करने से पहले सभी को भाई तीज की बहुत बहुत बधाई हो। और आज भाई बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी मैं उठी, नहाई और मैं कहा व्लॉग बनाना ही पड़ेगा। व्लॉग तो क्या है भाई, तीज के लिए थोड़ा तैयार होना था और आज बिल्कुल मन नहीं था। आंखों से आपको अभी भी लग रहा होगा, बस जस्ट मैं अभी नहा के आई थी। अभी कपड़े वगैरह चेंज करूँगी तीज के लिए, क्योंकि त्यौहार का दिन अच्छा नहीं लगता भी ऐसे लेटे रहो। और इतनी तबीयत ख़राब थी रात को, पता नहीं कौन सी गोली थी भाई, सुबह नींद ही नहीं खुल रही थी। ब्रेकफास्ट बनाया, वरन को स्कूल भेजा, उसके बाद फिर सो गई और अब जस्ट नहा के आई हूँ। नहाना ज़रूरी था भाई, तो दिखाती हूँ बैक कैमरा पे भाई तीज का सामान और फिर होते हैं रेडी। पूरा व्लॉग स्किप मत करना भाई, तो दिखाऊंगी कैसे कैसे रेडी होती है। और देखो भाई मेहंदी भी नहीं लगाई रात को क्योंकि तबीयत बड़ी ख़राब थी, तो अब लगाऊंगी। पहले तैयार हो जाऊं उसके बाद मेहंदी लगाऊंगी। सारा व्लॉग आपको सब कुछ दिखेगा इस व्लॉग में, क्या क्या मैंने किया, कैसे कैसे तैयार हुई। और कान्हा जी तो बताना भाई, लड्डू गोपाल जी किसके पास पास है, आज उन्हें भी झूले में बिठाएंगे। और लड्डू गोपाल जी की भी भाई ग्रीन कलर की ड्रेस डाली है मैंने, क्योंकि ग्रीन अच्छा होता है भाई, बोलते हैं तीज वाले दिन ग्रीन डालना चाहिए। तो करते हैं व्लॉग की शुरुआत, तो दिखाती हूँ मैं आपको सारा सामान मैं क्या क्या लेके आई हूँ। तो भाई अब सबसे पहले मैं आपको सूट दिखाती हूँ अपना। तो ये है ग्रीन कलर का सूट, पास से दिखाती हूँ बेटा। ये है ग्रीन कलर का सूट, देखो जो आज मैं डालूँगी तीज पे। ये आपने पहले भी देखा होगा भाई, तो ये न्यू सूट है, थोड़ी देर के लिए डाला था मैंने। और भी मेरे पास कोई ग्रीन था नहीं, मैंने सिलवाया नहीं, कैमरा थोड़ा सेट सी। और ये देखो भाई बैंगल्स मेरी, तो एक तो मैंने ये सेट लिया है, देखो इसमें है रेड ग्रीन येलो, पास से दिखा देते हैं। ये है तो, और ये रेड कलर के कड़े हैं, ग्रीन कलर के कड़े हैं। और मैं चूड़ियाँ दिखाती हूँ भाई, थोड़ी सी दिखा दी क्योंकि फिर डालूंगी ना ये सारी, इधर उधर हो जाएंगी। तो तीज के लिए जो मैंने चूड़ी ली है वो ये है भाई, देखो ग्रीन कलर की, ठीक है, एक एक क्लचर है भाई। और ये जो मेरे गड़े हैं ये आपने पहले भी देखे होंगे, इसमें मेकअप का सामान है सारा, ठीक है। और ये है भाई जो मेहंदी की कीप, तो ये जो मैं लगाऊंगी तैयार होने के बाद ना, ठीक है तब। और फटाफट होते हैं तैयार और उसके बाद आपसे मिलते हैं, ठीक है। तो भाई अभी ये वाला सूट मैंने डाल लिया है और अब डालते हैं चूड़ियाँ। देखो ये मैंने ग्रीन कलर की चूड़ियाँ खोल ली हैं और अब ये देखते हैं, अभी जो ये चूड़ा है इसकी, इसके साथ मैचिंग कर लेती हूँ, ठीक है। बाकी भाई क्या होता है, मेरे पास ना थोड़ी देर के लिए डलती हैं चूड़ियाँ, ज़्यादा देर में डाल नहीं सकती, कड़े वगैरह डल जाते हैं, इधर उधर बचते रहते हैं हाथ मेरे, ठीक है। और ये कहाँ से निकल गया, ये ग्रीन ले किया तो एक मिनट है ना, चलो। तो पहले मैं डाल लेती हूँ भाई, सबसे पहले डालूंगी ये देखो, और थोड़ी सी ना काम करने के बाद भाई हाथ में थोड़े सख्त हो जाते हैं। और ये डलेगी भी है चूड़ियाँ ग्रीन कलर की, कितनी है ये, आई थिंक इट। तो ये देखो भाई, एक हाथ में ठीक जल जाती है भाई और एक हाथ में क्या होता है थोड़ी सी टाइट आती है, मिडल की। और अब डाल लेते हैं भाई, क्या डाले, रेड कलर का डाल लेते हैं, है ना, एक रेड। ये देखो भाई कैसा लग रहा है, कमेंट करके बताना भाई कैसी लगी। मैंने थोड़ी थोड़ी चूड़ियाँ डाली हैं, अभी ज़्यादा नहीं डाली, तो फटाफट सारी चूड़ियाँ डाले थे उसके बाद दिखाती हूँ, ठीक है। तो भाई ये वाला डाला है मैंने सूट ग्रीन कलर का, अभी हल्का सा थोड़ा मेकअप रहता है, पास आ जा।
अभी हल्का सा थोड़ा मेकअप रहता है भाई, क्योंकि फटाफट मैं का एक बार वीडियो आपको दिखा देती हूँ। और ये रही भाई बैंगल्स, देखो कितनी सुंदर लग रही है। अभी तो ज्वेलरी वगैरह मैंने कुछ नहीं डाली, ना गले में डाला, हल्का सा मेकअप किया क्योंकि तबीयत इतनी ख़राब थी। और अब लगाएंगे मेहंदी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ, भी नेल पेंट भी लगाना है, मेहंदी भी लगानी है, ठीक है? तो उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ जैसे जैसे ब्लॉग बनता है। ये देखो भाई, एक बार लड्डू को देखो, लड्डू के भी आज भाई ग्रीन कलर की ड्रेस डाली है मैंने, क्योंकि मैंने भी ग्रीन डाली है। देखो फ्लैश लाइट ऑन कर लिया, ये देखो मिरर वर्क की, ठीक है? तो कैसे लग रहे हैं लड्डू जी, और इनको बिठाएंगे झूले पर शाम को, ठीक है? और अब लगाते हैं भाई मेहंदी, और इतनी बड़ी आर्टिस्ट तो मैं हूँ नहीं तो हाँ जी, कैसा लगा मेरा लुक कमेंट करके बताना। तबीयत अभी भी ठीक नहीं है भाई, लेकिन फिर भी ये गले में भी चैन वगैरह मैंने नहीं डाली, क्योंकि आधा मन कर रहा भी आधा नहीं कर रहा। तो ये है मेरी बैंगल्स, एक बार और देख लो, ठीक है? और अब लगाते हैं मेहंदी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है? तो कैसी लगी कमेंट करके बताना भाई, मेरे चूड़ा कैसा लगा ये बताना भाई। स्टार्ट करते हैं अभी मेहंदी लगानी, मैंने कैमरा ऐसे लगी है, थोड़ी सी दिखाऊँगी मैं, बाकी भाई मेरे को इतनी अच्छी आती नहीं है, ठीक है ना? मैं आर्टिस्ट हूँ इतना अच्छा लेकिन कोशिश करती हूँ, थोड़ा सा शगुन सा हो जाएगा भाई, और तो कुछ नहीं है ना। तो ये रही भाई, ये लगानी शुरू करती हूँ यहाँ पे पहले, वही जो सब करते हैं, यहाँ पे निकालती है मेहंदी बहुत सारी, ठीक है? इसको राउंड राउंड कर लेंगे फिर, ठीक है? और भाई राखी और उस पर तो मैं लगवाती हूँ, अब मन नहीं कर रहा था, एक तो गर्मी ज़्यादा थी, और गर्मी को तो छोड़ो भाई, गर्मी तो देखी जाएगी, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है तबीयत। तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी ना, वो तो शुक्र है कि मैं चलो इतनी भी तैयार होगी, ठीक है? पहले तो भाई ये होता था कि सब इकट्ठे जाते थे, है ना? जब हम छोटे छोटे थे भाई, तो सब मतलब जो ये लेक है, रोज़ गार्डन है, यहाँ पर झूले लगे होते थे, ठीक है? तो शुरू से ही हम तो चंडीगढ़ रहे हैं भाई, तो पता है सारी चीज़ का, कहाँ पर क्या क्या होता था। तो सारे गली के मिल के इकट्ठे होके हम जाते थे रॉक गार्डन, तो वहाँ पर सेलिब्रेट करते थे। अब तो बहुत बुरा हाल है भाई, अब कोई नहीं जाता, पहली तो बात कोई बोलता ही नहीं है तो बाकी तो क्या आएगा। चलो लगा लेती हूँ मेहंदी, फिर आपको दिखाती हूँ डिजाइन कैसा लगाया, ओके? अरे रुक जा। तो ये देखो भाई मेहंदी मेरी ऐसी लगाई है भाई, ये निकला मेरे हस्बैंड का नाम, और ऐसी आती थी भाई मेरे को तो दूसरे हाथ पे भाई मेहंदी के निशान से लगे हुए हैं, पता नहीं कैसा हो रहा होगा कैमरा में, ठीक है? तो ये देखो भाई मेरी मेहंदी ऐसी लगाई है, बस हल्की सी भाई ऐसी आती है मेरे को। अब दूसरे हाथ पे तब लगाऊंगी, जब इस हाथ की सूख जाएगी ना तब लगाऊंगी। और टाइम हो चुका है अभी 12:30, और तीज पे भाई और बाहर मैं जाऊंगी नहीं, क्योंकि भाई तबीयत ख़राब है, वैसे भी नहीं जाते भाई कहीं। ये होता है कि हमारे जो रिचुअल्स हैं, ठीक है, जो सेलिब्रेशन करते हैं भाई, हाँ भाई जो सुहागन होती है वो नए कपड़े डाल लेती है, चूड़ियाँ डाल लेती है, श्रृंगार वगैरह कर लेती है, ये सब होता है भाई। मेहंदी लगा लेते हैं, वो शगन होता है, तभी मैंने मेहंदी लगाई है, क्योंकि ज़रूरी था, वरना मैं मेहंदी नहीं भी लगाती, क्योंकि भाई तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। और बस अब दूसरे हाथ पर लगाऊँगी, ठीक है? और मन आएगा फिर करेंगे इस ब्लॉग को कंटिन्यू, तब तक के लिए भाई अब मैं रेस्ट कर लेती हूँ थोड़ी देर, फिर थोड़ी देर में। जी तो भाई अब आ चुकी है मिठाई तीज की, ये है भाई रसगुल्ले, ये मेरी फेवरेट है भाई। ये क्या क्या, ये वो क्या बोलते हैं, बर्फी है, बर्फी है खोई वाली, मतलब दूध को पूरा वो करके। और ये है भाई सबका फेवरेट तीज का घेवर। अब लगाएंगे भाई कानू जी को भोग, पहले बिठाएंगे कानू जी को झूले झूले में, ठीक है? चलो मैं बनाती हूँ, बना लेके आएगा कानू जी, ओके? हाँ जो भाई, तो भाई पहले जोत वगैरह लगा ली है, और उसके बाद आ रहे हैं हमारे लड्डू जी, आ जाओ। तो ये देखो, ये रहे हमारे कान्हा जी। चलो भाई मनन,
अब झूले में बिठाएंगे, झूला देंगे इनको। हो गया, अच्छे से बिठा दिया बेटा, पीछे को अच्छे से, कभी आगे झोंक होएगा कानू जी का। हो गया, लाइट ऑन करिए ऊपर की, होती है। हाँ ये देखो भाई, ये बिठा दिए और अब झूला देंगे। चलो चलो भाई, ठीक है। अब वो डब्बे ले आ, एक बार भोग लगा दे भाई कानू जी को। और ये है भाई झूला, ले आ भाई, मन आ रहा लेके ले आ बेटे। तो ये आ गया भाई, यहाँ पे लगा दो, पीछे कर दे थोड़ा झूला। तो अब काना जी को लगा देते हैं भोग, ठीक है। सरका दे सरका दे, पीछे और कर दे और कर दे, बस। चलो जी ले आओ और भी, ठीक है। तो फिर हम खाएंगे भाई, पहले कानू जी को भोग लगा देते हैं। ये दोनों इकट्ठे ले आ। तो ये है भी घेवर, ये है भी रसगुल्ले, और अब लगाएंगे कानू जी को भोग। लगा दे मनन भोग, थोड़ी सी तोड़ के, हल्की सी, ऊपर मत गिरा दिए कानू के, भोग लगाना। तो ये लग गया भाई कानू जी के भोग। चलो भाई ले लिया झूला, हमने तो लिया नहीं, कानू जी ने जरूर ले लिया भाई झूला, है ना वनी। ये देखो भाई, ठीक है। चलो चलो भाई, अब हम भी झूला देते हैं कानू जी को। मेरी बारी है, पहले मनन ने दिया भाई, हम मेरी बारी है, ठीक है। कैसे लग रहे हैं मनी? मस्त 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 मस्त। तो ये थी भाई सूट की लुक, मैंने आपको पहले भी दिखाई थी, अब मनन कैमरा ले रहा है, ठीक है। तो ये मेरी बैंगल्स है, ये मेरा ग्रीन सूट है, और ये अब हमने कानू जी को भी यहाँ पे झूले में बिठा दिया, झूला झूला दिया तीज का। और ये है भाई हमारी मिठाइयाँ, घेवर बर्फी रसगुल्ला। और यही था भाई घर में तीज सेलिब्रेट की जैसे करते हैं। और ये मैंने मेहंदी लगाई थी, ठीक है। मैंने थोड़ी देर रखी थी, सिर्फ 10 मिनट, फिर मैंने उतार दी थी। तो चलो भाई इस ब्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड। तो नेक्स्ट ब्लॉग पे फिर मिलेंगे, तो कमेंट करके बताना भाई कैसा लगा, ठीक है। तो तब तक के लिए सभी को भाई बाय बाय और राधे राधे।